सो हे गाइस, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ ये वीडियो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो उसके सारे के सारे रिलेटेड आंसर मैंने इस वीडियो में दे रखे। और हाँ गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा एंड तक देखना, क्योंकि मैंने एंड में स्मॉल टोटम और टोटम वगैरह जितना भी स्मॉल फूड है वो सबका पैक दिया है, एंड मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर देन बोलना मत मेरे को कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? तो पूरा एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऐप में मैं आ चुका हूँ एंड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पिक्सल कैसे कम किया जाता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भाई मेरा पिक्सल बहुत ज़्यादा है, एंड पिक्सल ज़्यादा होने से क्या होता है कि अगर आप वो इन्वेंटरी में आप सामान लोगे सो आपका गेम क्रैश हो जाएगा या फिर अटक जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो पिक्सल कैसे कम करते हैं, लाइक न्यू पे क्लिक करो एंड टेक्सचर पे जाओ एंड यहाँ से ही सब बनाना, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टेक्सचर पे क्लिक ही नहीं करते, यहाँ पे उनको आर्मर सॉर्ट दिख जाता है, यहाँ से बना लेते हैं। नहीं, ये गलत है, ये इससे बिहेवियर पैक आ जाएगा। इसीलिए आपको टेक्सचर के अंदर जाना है, ये वाला चीज़ सेक्शन दिख रहा है आपको टेक्सचर, इसके अंदर जाके यहाँ से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, ब्लॉक में फायर, लो फायर वाला फायर मिल जाएगा एंड सारे के सारे ब्लॉक्स एंड आइटम्स में सारे के सारे आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इधर पे, ठीक है? सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे मतलब पिक्सल कम कर सकते हो। सपोज़, ठीक है, एग्जांपल मैंने टोटम लिया एंड टोटम के अंदर मेरे को डालना है इलाइट्रा। एक काम करता हूँ, इलाइट्रा ही ले लेता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पे मैंने सर्च किया इलाइट्रा, तो गाइस मैंने सर्च कर लिया इलाइट्रा और अब स्किन पे जाऊँगा एंड चूज़ कस्टम स्किन, गैलरी पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मेरे को एक इलाइट्रा है जिसके पिक्सल बहुत ज़्यादा है, लाइक ये देख सकते हो, ये इलाइट्रा मैंने ऐड किया एंड ये देखो लैग हो गया, ठीक है? एड ऑन मेकर लैग हो जाए समझ जाना बहुत ज़्यादा पिक्सल है, एंड एडिट पे क्लिक करूँगा तभी भी एड ऑन मेकर लैग हो जाएगा, मतलब थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करेगा। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों अटक गया ऐप, एंड ये खुल गया, ठीक है, फाइनली। एंड अभी ना इसके पिक्सल देख चेक करना है, तो यहाँ पे ऊपर आपको जो पेन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना इधर पे टॉप, तो इस पर क्लिक करोगे ना तो ये रहे सारे के सारे पिक्सल। लाइक ये साइज़ होता है एक टाइप का, मतलब पिक्सल साइज़ आपको जो कहना है वो कह सकते हो। देखो ये पूरा मैक्स है, ये 1024 पिक्सल का है, मतलब अगर इसको अपने गेम में लिया तो तुम्हारा गेम क्रैश होना ही है। तो इसको कम कैसे करना है, कुछ नहीं करना है भाई, ये देखो ये से कम ज़्यादा होगा, ये लाइन को लेके जाना है, ठीक है? इतना भी ज़्यादा कम मत कर देना, ठीक है, वरना इसके पिक्सल बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 128 तक रखना, तो जिससे क्या कि ये ना 128 पिक्सल का हो जाएगा, ये देख सकते हो। अब इसको आप लोग सेव करके राइट करके कर देना, ठीक है? ऐसे पिक्सल कम होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब हर चीज़ में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कम मत कर देना वरना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो चलो अब बढ़ते आगे। तो गाइस अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को आर्मर नहीं बन रहा है डॉन मेकर से, ट्राइडेंट नहीं बन रहा है, इलाइट्रा नहीं बन रहा है एंड वो सब एंड क्रिस्टल नहीं बन रहा है, तो इन सबको कैसे बनाना है आपको बताता हूँ। तो गाइस ये डॉन मेकर में ये सब नहीं बनते, ठीक है, ये चारों चीज़ डॉन मेकर में नहीं बनती, इलाइट्रा भी नहीं बनती है, ठीक है, कभी कभी वो स्क्रीन कैच नहीं कर पाता है। ये तो सिर्फ मैंने स्किन लगाई है, मेन टेक्सचर होता है इसमें, स्किन मेन होता है एंड टेक्सचर भी दोनों मेन होता है। सो अभी देखो सबसे पहले आप लोगों को अपना टेक्सचर बनाना है, लाइक देखो मैंने टेक्सचर बना लिया, थोड़ा बहुत मैं टेक्सचर बना लेता हूँ, लाइक इसी स्वॉर्ड को सिर्फ थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक इसी स्वॉर्ड को मैं ऐसा थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, ये देखो ऐसा कर दिया मैंने एंड इसके बाद राइड कर देता हूँ। तो ये मिनट सपोज टेक्सचर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अभी इसको आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है, कोई भी नेम दे दो, लाइक मैं टेस्ट नेम दे देता हूँ एंड मैंने टेस्ट नेम दे दिया, ऑथर नेम में कुछ भी डाल देता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डाल देता हूँ एंड इसको राइड करके इंपोर्ट कर, तो ये इसके बाद मैं माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट कर दूंगा एंड इंपोर्ट पूरा हो जाने दो, ठीक है, इसके बाद आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस आपको कैसे चेंज कर। तो गाइस ये इंपोर्ट हो चुका है, देख सकते हो, अब इसके बाद आपको पूरा गेम को पैक करते हैं, ठीक है। अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी डिफ़ॉल्ट नाम की, ठीक है, अब वो डिफ़ॉल्ट नाम क्या है पता है, जो माइनक्राफ्ट में जो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर होते हैं ना, लाइक डिफ़ॉल्ट टेक्सचर स्वॉर्ड के, ब्लॉक्स के, वो सारे के सारे आपको उसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता, वो लिंक डाउनलोड करने के बाद आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा एंड देन गाइस आपको क्या करना है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, ये तीन आई पे क्लिक करके क्रिएट करके एक फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर, एंड वो नाम कुछ भी रख सकते हो आपको, आपको जो रखना है, मैंने ट्यूटोरियल लग दिया एंड यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर सारी के सारी चीज़ें लाइक टेक्सचर से लेके, ठीक है, आइटम्स भी सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है, ये सब नॉर्मल टेक्सचर है। अभी जो आपने MAM से इंपोर्ट किया था, माइनक्राफ्ट एडॉन मेकर से जो टेक्सचर आपने इंपोर्ट किया था, अब आपको उसको कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको एंड्रॉयड में जाना है, डेटा पे जाना है एंड इसके बाद आपको जाना है माइनक्राफ्ट के अंदर एंड माइनक्राफ्ट के अंदर जाना है फाइल्स गेम डॉट मोजैंग और रिसोर्स पैक पे जाके आपको ये मिल जाएगा टेस्ट, देख ये वाला मैंने उसमें निकाला था। तो इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद आपको डिवाइस स्टोरेज पे जाके ट्यूटोरियल में जाके इधर पे पेस्ट कर दें,
अब मेन थिंग आती है, ठीक है। अब इस टेस्ट के अंदर का ये सारे का सारा जो फाइल दिखा है ना, ये सब कुछ कॉपी करो, ठीक है। आप आइकॉन अपना खुद का ऐड कर सकते हो माइनक्राफ्ट एडोन मेकर से, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइकॉन आपका लेना, ठीक है, मैंने कुछ भी उठाया, आप अपना लेना। ये सारा का सारा कॉपी करना, ये कॉपी करना, एंड आपको क्या करना है पता है, डिफ़ॉल्ट में जाना है एंड पेस्ट कर देना है। ये रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस कर दो। तो अब इससे क्या होगा, आपका पैक आइकॉन भी चेंज हो जाएगा, जो ये होता है ना मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट भी चेंज हो जाएगा, लाइक इससे सब होता है, सो कुछ तो होता है इसके अंदर। एंड अगर आप, अगर मैं अभी टेक्सचर में जाऊँगा ना, लाइक अभी मैं अगर टेक्सचर पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आइटम्स पे जाके नेदरराइट स्वॉर्ड देखूँगा ना, तो वो जो मैंने ड्रॉ किया था उसमें चेंज हो गई होगी। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, एंड गोल्ड है और ये आयरन है, ये नेदरराइट, ये देखो दिख सकते हो, देखो ब्लैक ब्लैक आ चुका है, देखो नेदरराइट स्वॉर्ड में ध्यान से देखो, तो ये देखो जो मैंने ड्रॉ किया था ब्लैक ब्लैक, वो इसके अंदर ऐड हो चुका है, मतलब फाइल एक्चुअली रिप्लेस हो चुकी है। एंड अगर आपको किसी बाहर से चीज़ को ऐड करना है, लाइक अभी समझो मेरे को टेक्सचर में, मेरे को डिफ़ॉल्ट वाले टेक्सचर में आइटम्स में मैं गया एंड यहाँ पे मेरे को ना एप्पल डॉट पी एन जी इसको चेंज करना है, ठीक है, एप्पल को चेंज करना है, और आपको उसका नाम याद रखना है एप्पल डॉट पी एन जी, या तो आप कॉपी भी कर सकते हो। अब आपको जाना है अपने डाउनलोड्स फोल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो मैं एप्पल ये वाला लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला, तो आपने डाउनलोड किया होगा तो आपने कुछ अलग से लिख के आ रहा होगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया, इसको रीनेम करना है एप्पल डॉट पी एन जी, जो आपके डिफ़ॉल्ट वाले फोल्डर में जो नाम था इसी को वही नेम देना है एंड ओके कर देना है। इधर पे ये नहीं होगा चेंज, तो आपको कॉपी करके सबसे पहले इधर ट्यूटोरियल पे पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे देन आप रीनेम कर दो, ठीक है, ये रीनेम कर दो, ये रीनेम हो चुका है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करो, जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे डिफ़ॉल्ट के अंदर जाओ, टेक्सचर के अंदर जाओ एंड आइटम्स के अंदर जाओ एंड एप्पल रहा, यहाँ पे पेस्ट करो, रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस करोगे तो ये देखो स्मॉल एप्पल में कन्वर्ट होगा, देखो आपको आँखों के सामने। ऐसे करके आप सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट, नेम चेंज करके कॉपी पेस्ट करके टेक्सचर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। एंड अब मैं आपको बताता हूँ आपको ट्राइडेंट वगैरह कैसे चेंज करना, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं आर्मर पे, तो लाइक ये जो है ये मेरा टेक्सचर पैक है, ठीक है, ये वाला, ये अभी आने वाला है इसकी वीडियो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया और ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है, आपको नेक्स्ट वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आर्मर्स कैसे बनाना है, देखो आर्मर का एक मॉडल होता है, बताता हूँ एक सेकेंड, जैसे आप टेक्सचर में जाओगे, मॉडल्स में जाओगे, आर्मर में जाओगे, तो ये देखो ये सारे के सारे मॉडल्स, ठीक है, ये सारे के सारे आर्मर के मॉडल होते हैं। इससे पहनने बाद जो आर्मर दिखता है इससे चेंज होता है, ठीक है, और जो हाथ में आप आर्मर लेते हो ना वो एडोन मेकर से चेंज होता है, ठीक है। सो ये आपको मॉडल डालना पड़ेगा, एंड अगर आपने मॉडल किसी ऐप से ड्रॉ किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाले ऐप से ड्रॉ करो, कहा गया वो ऐप, ये पिक्सल आर्ट प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इससे आप आर्मर का मॉडल खुद ड्रॉ करो एंड उसके बाद इसको इंपोर्ट करो एक फाइल में, एंड देन उसका नाम जो आर्मर ने आपने बनाया है, आप समझो डायमंड आर्मर में आपने बनाया है, सो उस जो पीएनजी है उसको ये वाला नाम दो, डायमंड अंडरस्कोर पीएनजी, सॉरी वन डॉट पीएनजी, एंड देन उसको ये नाम देके यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस हो जाएगा आपके वाले मॉडल से ये वाले मॉडल में, समझ गए। ऐसे करके आर्मर बनता है। अब ये मॉडल आप इसको देख के लाइक आपको जो जो चेंजेस करने वो आप कर दो, मेरे को भी उतना अच्छे से बनाने आता नहीं है, बट ये टेक्सचर पैक में मैंने कुछ खास किया है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड क्रिस्टल कैसे चेंज होता है। एंड क्रिस्टल यहाँ पे होता है एक एंटिटी करके, देखो आपको एक फोल्डर बनाना है इसमें, ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे टेक्सचर के अंदर जाओगे यहाँ पे फोल्डर बनाना है एंटिटी नाम का, यहाँ से, ठीक है, क्रिएट न्यू फोल्डर करके एक एंटिटी नाम का फोल्डर बनाना है ये वाला, ठीक है, स्मॉल में सब। एंड इसके अंदर आपको ट्राइडेंट की पीएनजी, शील्ड के पीएनजी पेस्ट कर, जैसे कि आपकी ट्राइडेंट भी बन जाएगा एंड शील्ड भी बन जाएगा। एम माइनक्राफ्ट एडोन मेकर से ट्राइडेंट का जो आप पकड़ते हो, मतलब जो जैसा जो आप पकड़ते हो सिर्फ उसी के अंदर, मतलब जो इन्वेंट्री में दिखता है सिर्फ उसी की स्किन चेंज होती है, बट ट्राइडेंट की नहीं होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्राइडेंट की पीएनजी पेस्ट करोगे सो यहाँ पे ट्राइडेंट की स्किन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और याद रहे नाम यही होना चाहिए दूसरे वाले जो आप इसके अंदर रिप्लेस करोगे, उसका और इसका नाम सेम होना चाहिए, और शील्ड का भी वैसा ही है, ठीक है। एंड क्रिस्टल का हो गया, ठीक है, ट्राइडेंट का हो गया, अब एंड क्रिस्टल पे आते हैं। अब यहाँ पे एक और एक फोल्डर आपको बनाना है एंड क्रिस्टल करके, ठीक है, इसके अंदर ही एंड क्रिस्टल करके क्रिएट करके एक फोल्डर बना लो यहाँ पे एंड क्रिस्टल नाम का, एंड इसके अंदर एंड क्रिस्टल का पीएनजी पेस्ट कर दो, जो भी आपके पास जैसा भी होगा आपके पास, या तो आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हो, पिक्सल आर्ट जो मैंने आप ऐप बताया उसे बना भी सकते हो, ठीक है। एंड क्रिस्टल का भी हो गया, ट्राइडेंट का भी हो गया, ठीक है, सारा कुछ सारा हो गया।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, लाइक इसमें आप ब्लॉग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, कलर मैप भी ऐड कर सकते हो, किसी का उठा के भी ऐड कर सकते हो। आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है जिसको आपकी स्वॉर्ड वगैरह डालनी है तो उसी के पैक के अंदर जाके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड रिप्लेस कर दो, तो जिससे आपका पैक भी हो जाएगा एंड साथ साथ तो तुम्हारी यूट्यूब जो फेवरेट यूट्यूबर का पैक है उसका भी ऐड हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात। सो ऐसे करके आप लोग पैक बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं भाई, समझा दूंगा आपको कभी पर्सनल पे, डिस्कॉर्ड पे मेरे को मैसेज कर देना। और हाँ गाइस, स्मॉल फूड का और स्मॉल टोटम के बहुत सारे लोग बोलते भाई कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल टोटम कैसे बनाना है। तो कैसे, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दी है, उसके अंदर आपको सारे के सारे स्मॉल फूड और एक स्मॉल टोटम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एडॉन मेकर खोलना है, ठीक है। एडॉन मेकर खोलने के बाद प्लस पे जाना है, टेक्सचर पे जाना है, आइटम्स में जाना है। टोटम ले लिया मैंने, अब मैं इसको चेंज करूँगा और जो टोटम मैंने आपको दे रखा है वो आप ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमको ये वाला टोटम दे रखा है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। एंड इसको ऐड करने के बाद ना आप इसको रहने दो और इसके अंदर आपको जो ड्रॉ करना है, समझो मैंने इसको ग्रीन लिया एंड देन यहाँ पे आप ड्रॉ करो, आपको जो ड्रॉ करना है, आपको अपनी स्किन ड्रॉ करना है आप अपनी स्किन के हिसाब से ड्रॉ करो, आपको जो ड्रॉ करना है आप उसे ड्रॉ करो एंड इसको सेव कर दो, तो ये स्मॉल टोटम ही रहेगा बट आपकी स्किन का रहेगा, समझ गए। फूड तो आपको दे ही दूंगा तो आप डायरेक्ट उठा के डाल देना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एंड आप लोगों के लिए वीडियो मैं इतनी नॉइज़ में बना रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट टेक्सचर पैक आने वाला है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, थोड़ा सा वेट कर लो। सो देन बाय बाय।